को मिला प्रयागराज से खबर बता रहे हैं, जहां पर फूलपुर में जहरीली शराब पीने से 5 की मौत हो जाती है, 13 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है जिनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आपको बताते चले जिला प्रशासन शराब के ठेकों को भी सील कर दिया है, और इससे पहले लखनऊ में जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हुई थी, वो मामला भी ठंडा नहीं हो पाया था कि अब प्रयागराज से एक खबर सामने आ चुकी है। प्रयागराज में भी 5 लोगों की मौत हो जाती है जहरीली शराब पीने से। आपको बताते चले 13 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है जिनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फिलहाल जिला प्रशासन ने शराब के ठेके को सील कर दिया है, और साथ ही साथ एक सेल्समैन को गिरफ्तार करके उससे पूछताछ की जा रही है। फूलपुर के अमीलिया गांव में स्थित ठेके से ये शराब पी गई थी, जहां पर 5 की मौत होती है और 13 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। प्रयागराज में जहरीली शराब का कहर देखने को मिला, 5 लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से हुई है। एक सेल्समैन को गिरफ्तार करके पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। उत्तर प्रदेश में जहरीली शराब पीने से हो रही मौत